हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। है ना, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। वेक्टर की बात चल रही है बेटा। वेक्टर में आज अपन सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या इसको बोल देते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस फिजिक्स की सीरीज में हम जल्दी से जल्दी छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, है ना। तो हमने कल प्रोडक्ट, पिछली क्लास में हमने प्रोडक्ट के बारे में जाना था, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, है ना। हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, मे बी आपने किया होगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मेंशन करके बताएं। अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। ये क्या है, मान लो कोई पोजिशन वेक्टर है एक्स और ये है वाई, और ये पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, जिसकी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये यहाँ से एंगल थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अगर मैं एक एल्टीट्यूड डाल दूँ तो ये तो हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसे एम बोल दूँ तो ओ एम जो कि बेस है, हम कहेंगे क्या कहेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, है ना, क्या कहेंगे, पी एम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ओ पी। तो बेसिकली साइन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, है ना, या हमारा पी एम क्या आ जाएगा, पी एम इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा ले लेता हूँ इसमें, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ एम क्या है, ओ एम बेस है अपॉन फिर से ओ पी हाइपोटेनियस है, तो ओ पी, तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या मिल जाएगा, ओ एम अपॉन ओ पी। और ओ एम कितना है बेटा, ओ एम कितना निकाल सकते हैं यहाँ से हम, ओ एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ एम इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। तो यही जो है, ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, जो बेस हमारा कितना आ गया, ओ पी कॉस थीटा। तो ओ पी है कितना, आर मैग्नीट्यूड, तो हम क्या बोल देंगे, आर कॉस थीटा। ऐसे ही पी एम आ गया ओ पी साइन थीटा, ओ पी है कितना, आर, तो हम क्या बोल देंगे, आर साइन थीटा। तो जो ओ पी वैक्टर आ गया, ओ पी वैक्टर कितना आया बच्चों, ओ पी वैक्टर हमारा आ गया, क्या आ गया, ये वाला एक्स और बाई, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये बाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कितनी लेंथ है, आर कोस थीटा, यहाँ पे वाई कितनी लेंथ है, आर साइन थीटा, तो हम लिखेंगे आर कोस थीटा। चूंकि वेक्टर है, वेक्टर तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, आई कैप लगाएंगे और वाई डायरेक्शन में जे कैप लगाएंगे, आई कैप प्लस आर साइन थीटा, इधर क्या लगाएंगे, जे कैप लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आर वेक्टर इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड जो इसका आएगा वो तो आर ही आना है, देख लो कैसे आर ही निकल के आएगा। अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है, वन। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, आर आ गया, तो आर बराबर आर आ गया, तो वो तो आना ही था, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकालते हैं ना, तो आर मैग्नीट्यूड आ गया। बेसिकली कंपोनेंट क्या क्या हुआ, तो एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट या रिजोल्यूशन, या इसे बोल सकते हैं रिजोल्यूशन इन एक्स डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ एक्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या आ रहा है, इस वेक्टर की शैडो कितनी आ रही है, आर कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा। ऐसे ही वाई कंपोनेंट कितना आएगा, वाई कंपोनेंट कितना आएगा, आर क्या है, आर साइन थीटा, तो ये वाई कंपोनेंट हो गया। तो ये वेक्टर के कंपोनेंट निकालने का तरीका है, क्या होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। जैसे कि अगर मैं एक दो क्वेश्चन ले लूं, मैं बोलूं एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, सर अभी मैंने पढ़ाया नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन, मैं एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, और वो
30 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉल को फेंकता है। एक बॉल को किसी ने प्रोजेक्ट किया एट 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। कहाँ से लिया है? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लिया है। तो बताओ x में उसकी वेलोसिटी क्या होगी और y कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि फेंका था 10 मीटर पर सेकंड से। तो बेटा ये बेसिकली ये तो x कंपोनेंट हो गया, तो हम लिखेंगे x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट बेटा क्या होगा? r cos थीटा। और r क्या है यहाँ पर? 10 है, मैग्नीट्यूड 10 है। cos थीटा कितना है? 30 डिग्री। बेटा याद रखो ये जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है ना, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक वाइज। कैसा बेटा? एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक तो ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉक वाइज इधर से ऐसा, ठीक है ना, ऐसे एंटी क्लॉक वाइज, तो ऐसे ही लेना है। तो देखो एंटी क्लॉक वाइज ही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये माइनस एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो बेटा जो एक्स कंपोनेंट आ गया वो क्या आ गया? 10 इंटू कॉस 30 होता है, बिल्कुल सही, √3/2 सही। तो ये हो जाएगा 5√3। ओके, ऐसे ही बाई कंपोनेंट क्या होगा? r sin थीटा। और r कितना है बोले बेटा? r है 10 इंटू साइन कितना हो जाएगा बोलो? 30 डिग्री। तो हो जाएगा 10 इंटू साइन 30 1/2 तो 5, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ ये O और ये P पॉइंट, तो OP वेक्टर अगर मैं बोलूँ या फिर वेलोसिटी वेक्टर बोल दूँ, क्या बोल दूँ? चूँकि वेलोसिटी की बात हो रही, वेलोसिटी वेक्टर क्या बोलूँगा? xi cap + yj cap। x कंपोनेंट i कैप के साथ, y कंपोनेंट j कैप। i कैप क्यों होगी? वेक्टर लगा दिया, तो वेक्टर में तो i j लिखने पड़ते हैं। x कंपोनेंट कितना है 5√3। तो 5√3 i कैप प्लस y कंपोनेंट कितना है? 5j कैप। बात समझ आ गई? बोलो 5√3 i कैप + 5√3 j कैप, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? कंपोनेंट आ गया। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो अपन सीख रहे हैं। जरा देखो, मान लेते हैं प्रोजेक्ट किया गया है ना 37 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। ये वाई और ये एक्स, तो एक्स कंपोनेंट बताओ, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट। और क्या बताना है? वाई कंपोनेंट। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, पहले तो आप इन चीजों को याद रखो। साइन 37 कितना होता है? 3/5। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। टेन 37 कितना होता है? 3/4। टेन एक्सक्यूज मी साइन 53 कितना होता है बोलो? होता है 4/5। कॉस 53 कितना होता है? 3/5। ऐसे ही 10 53 क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3, ठीक है। इन वैल्यू को याद रखना है, हालांकि इसको याद करने का एक तरीका है, लोग बताते हैं ट्रायंगल, पर मैं कहता हूँ आप इनको याद कर लो, ट्रायंगल एंगल के चक्कर में ना कब पढ़ो। पर फिर मैं लिखवा देता हूँ, ABC ये होता है 5, ये होता है 3 और ये होता है 4। इसे क्या लेते हैं? इसे लेते हैं 37। तो साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। ऐसे यहाँ ये 37 है, ये 90 है, तो ये 53 अपने आप हो जाएगा। तो अभी ये एंगल ले रहे तो ये बेस होगा,
जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला बेस होगा, तो यहाँ पर साइन 37 साइन 53 इधर से देखेंगे तो 53 इधर से देखेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 4/5 53, एंगल तो इधर से बन गया ना। हाँ, तो इस वाले ट्रायंगल को याद करके भी वैल्यू याद की जा सकती है। अब मेरी बात सुनो, अब बात क्या सुननी है आपको, आपको ये बात सुननी है कि चलो ये ठीक है, एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा होता है, एक्स वाई कंपोनेंट ये होता है, पर अपन इससे भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे? जहां से एंगल बनता है हम कॉस वहां पर लेते हैं। एक चीज हम बोल रहे हैं, जहां से एंगल, हाँ दोहराओ मेरी बात को, जहां से एंगल बनता है हम कॉस, हम कॉस वहां पर लेते हैं, ये नारा लगाओ, लेते हैं वहां पर लेते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेते हैं। तो बेटा एंगल यहाँ से बन रहा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस लेंगे। मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो हम लिखेंगे 10 cos 37। बेटा अगर यहाँ से कॉस बनता तो इधर कॉस लेते और दूसरी साइड साइन ले लेते, तो 10 cos 37, तो बचा कौन, 10 sin 37 कितना होता है 3/5, कितना होता है 3/5, 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 6, बाई कंपोनेंट 6 आ गया। ऐसे ही 10 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो बेसिकली चूंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, तो एक्स का क्या है 8i कैप और वाई कंपोनेंट कितना है 6j कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अगर अपन ने सही लिखा है तो 10 आना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, और 100 का अंडर रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा 10 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं अब की बार ये वाला 37 दे दिया, कौन सा, और वही फिर से दे दिया 10 m/s, तो हमने बोला था जहाँ से एंगल बनता है हम कॉस वहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ एंगल बन रहा है तो कॉस कहाँ लोगे, यहाँ लोगे कि यहाँ लोगे, अरे यहाँ लेंगे ना, कॉस कहाँ लोगे, यहाँ लोगे कि यहाँ लोगे, जहाँ से एंगल बनता है यहाँ से बाई एक्सिस से बन रहा है तो बाई पे लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 10 cos 37, तो दूसरी साइड क्या ले लेंगे 10 sin 37। 10 cos 37 की वैल्यू अभी अभी निकाली है कितनी है 8, और 10 sin 37 की वैल्यू अभी निकाली है 6, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा, बस बदल जाएगा 6i कैप + 8j कैप। क्यों बदल गया, क्योंकि एंगल बदल दिया, पहले 6 कहाँ गया, पहले 8i कैप था 6j कैप था, अब उल्टा हो गया 6i कैप + 8j कैप, क्योंकि यहाँ से एंगल बदल दिया, ठीक है ना। अगला जरा देखो, अच्छा इसको अगर ऐसे करेंगे कि x कंपोनेंट बताओ, तो x कंपोनेंट क्या होता है r cos थीटा, पर थीटा कहाँ से लेते हैं, थीटा हमेशा कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस से, तो ये वाला थीटा लेना पड़ेगा फिर, अगर उससे करेंगे उस वाले मेथड से, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा ना, तो ये पूरा 90, ये 37 से कितना हो जाएगा 53, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इसका आंसर, उसका इस तरीके से लिखूंगा, वैसे तो मैं कहता हूँ ऐसे लिखो ही मैं, बट मान लो तुम्हें लिखना ही है, नहीं मैं तो लिखूंगा सर, तो एक्स कंपोनेंट अगर आपको लिखना है तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कितना है 10 cos 53 लेंगे कि 37, 53, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में थीटा कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से, तो 53, और 10 cos 53 कितना होता है 53, 3/5, तो 10 × 3/5, तो कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10, 6, तो x कंपोनेंट कितना आ गया 6 आ गया कि नहीं आ गया, देखो वही आ रहा है। तो आप इससे करो या उससे करो, उससे में आपको याद रखना है एंगल नीचे से लेना है प्लस एक्सिस से, और यहाँ पे तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ से तो बस एक नारा याद रखना है, जहाँ से एंगल बनता है हम कॉस वहाँ पर लेते हैं, वहाँ पे कॉस ले लो, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और लगना भी वही चाहिए। अगर मैं एक बात और बोलूं, अगला 1 2 3 है ना, ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम, और ये अपन क्या कर रहे हैं, बस रिजोल्यूशन कर रहे हैं, कंपोनेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ये बाई है, ये एक्स है, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये 20 m/s है कितना, और यहाँ से एंगल फिर से कितना है 37 है,
तो यहाँ पर के जहाँ से एंगल बनता है हम वहाँ पे क्या लेते हैं कॉस, तो हम लिखेंगे 20 कॉस 37 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 साइन 37, 20 साइन 37 कितना होता है 3/5, 5 4 20 तो कितना आ जाएगा 4 3 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू कॉस 37, जहाँ से एंगल बनता है हम कॉस वहाँ पर लेते हैं, तो हमने कॉस लिया ना यहाँ पर, ठीक है, तो कॉस 37 कहाँ लिखा, ये लिखा 4/5, तो ये 4/5, 4 से 4 कितने 5 बार, कितने 4 बार, तो ये कितना आ गया 4 4 16, तो ये वाला कितना आ गया 16, तो ये 16 हो गया, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा 12i कैप + 16 जे कैप आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ पर आ रहा था 6 और 8, पहले यहाँ पर कितना था 10 था, अब वहाँ पर कितना आ गया 20, तो 6 से कितना हो गया 12 और 8 से कितना हो गया 16, इसका मतलब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया तो ये भी मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली बढ़ जाता है, समझ में आ गई बात, जैसे कि इसका मतलब सर ये तो बढ़िया बात होगी कि 30 मीटर पर सेकेंड है ना, और यहाँ पर 37 डिग्री पे एंगल ले लिया जाए, ये एक्स है और ये वाई है, तो बेटा 10 पर कितना मिल रहा था, वाई कंपोनेंट कहाँ गया, 10 पर मिल रहा था क्या 8, है ना, 10 पर 8 वाई मिल रहा था और एक्स 6 मिल रहा था, तो अब ये 10 है कि 30 है, 3 गुना है, तो 8 का कितना गुना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 24, और ये मिल रहा था 10 पर 6, तो कितना गुना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा 18i कैप + 24j कैप, ऐसे यहाँ पर डबल है, तो डबल यहाँ पर पहले 8 मिल रहा था, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 और 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, बात समझ में आ गई, एंड लास्ट एक लास्ट कि अगर मान लेते हैं दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है, अगर मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर 37 है, कितना है 37, तो ठीक है ये हो जाएगा 20, अब कॉस यहाँ से बन रहा है एंगल तो यहाँ लेंगे 37, ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 20 साइन 37, तो जब मैंने इसे देखा तो ये तो वही ऐसा ही है, तो 37, तो जब यहाँ देखा तो 8 था, तो अब ये 20 है, इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ 10 था तो 8 था, 20 है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं, ऐसे ही 10 था तो 6 था और 2 है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो 16i कैप + 12j कैप, ये हो जाता है, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ, कुछ नहीं करना है ना, और अगर ऐसे तुम्हें नहीं करना है तो आप तो 20 cos 37 की वैल्यू रख दो ना यार, आप ऐसे निकाल दो cos 37 की वैल्यू रख दो उसमें, अच्छा ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है वेक्टर में, एक लॉ ऑफ पॉलीगन है और एक है पैरेललोग्राम लॉ, मैंने पैरेललोग्राम लॉ के बारे में आपको शायद नहीं बताया है ना, भूल गया हूँ मैं, तो अब वो बता देता हूँ मैं क्या होता है इधर, उसके बाद अपन एक लेक्चर और लेंगे जिसमें प्रैक्टिस लेंगे है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कराएंगे 10-15 क्वेश्चन ले लेंगे लॉक के, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ये ए वेक्टर है, ट्रायंगल्स लॉ कैसा होता है, यही तो होता है ट्रायंगल्स लॉ, किसी वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल टपका दो है ना, एक वेक्टर ए था और ये वेक्टर क्या था बी था, तो एक किसी वेक्टर ए के हेड पर, इसे हेड बोलते हैं और इसे टेल बोलते हैं, तो इसको टेल टपका दो मतलब मिला दो, और हेड टेल को इनको इनिशियल फाइनल को मिला दो, ए के टेल को बी के हेड को मिला दो, तो ये वाला वेक्टर मुझे क्या मिलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, बेटा ऐसे ही पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या कहता है, ये वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ कुछ ऐसे बनता है कि आप एक चीज समझो, कोई वेक्टर अगर ऐसा है तो इस वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज किए आप स्पेस में ऊपर नीचे हिला सकते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इसको कहाँ ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन स्पेस विदाउट चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज किए वेक्टर को हम स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस वेक्टर को मैंने यूं उठाया और यहाँ चिपका दिया, तो कैसा चिपक गया, ये ऐसा चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा, चिपक गया, ऐसे इसको यूं उठाया और ऐसे चिपका दिया, ठीक है ना, तो देखो ये वाला भी बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ये वाला भी ए वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है
ये इसके पैरेलल है, तो ये कौन सा है? पैरेलोग्राम ही तो लॉ है। पैरेलोग्राम लॉ कुछ नहीं होता है, ट्रायंगल्स लॉ से ही आता है पैरेलोग्राम लॉ। बस वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं, तो पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होता है, पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो वेक्टरों का क्या होता है? सम होता है, ठीक है ना, एडिशन होता है। तो पैरेलोग्राम लॉ में क्या करते हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे, ये कौन सा है, ये कौन सा बी वेक्टर है, तो इसको अगर खोलें तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ये तो ए वेक्टर था और ये जो वेक्टर था, या फिर बोल सकते हैं हाँ थोड़ा, ये जो वेक्टर था, या ये जो वेक्टर था है ना, ये वाला, ये बी वेक्टर था, तो ये क्या है, थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसके डायगोनल से जाता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि रिवीजन ही करवा रहा हूँ, जितना भी बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कम टाइम में है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, कंसंट्रेट होगे तो बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला ये वीडियो है ना। तीन लेक्चर चार लेक्चर में अगर वेक्टर खत्म हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, वो भी 10-15 मिनट के वीडियो में, है ना, समझने वाली बात है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, इसे कहते हैं पैरेलोग्राम लॉ, और इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम रहता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक चीज और होती है, लॉ ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है ऐसे जिसमें दो या तीन से ज्यादा साइड हो, तीन ज्यादा साइड हो, ठीक है। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर कैसा है, बी वेक्टर है, ये वेक्टर सी वेक्टर है, ये वेक्टर डी वेक्टर है, ये वेक्टर ई वेक्टर है, तो लॉ पॉलीगन क्या कहता है कि इसको अगर मिला दोगे आप तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। देखो इनिशियल और फाइनल को, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस ए बी सी डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, इसी को लॉ ऑफ पॉलीगन कहते हैं, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ पॉलीगन इसे कहते हैं, इसका मान लो एक क्वेश्चन ले लें, आपसे पूछा गया, ठीक है ना, क्या पूछा गया कि बताओ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है ना, तो ऑप्शन दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये ए ऑप्शन है। दूसरा दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, थर्ड ऑप्शन है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है ना, ये दिया गया। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको तो लॉ पॉलीगन लगाना है, तो लॉ पॉलीगन क्या होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो घूमते रहो, बस वेक्टर जिधर घूम जाए, ए वेक्टर ठीक है, उस अगला घूम गए ना तो फिर उसी को क्या कर दें, प्लस बी वेक्टर कर देंगे, ठीक है ना, फिर से घूम गए ना तो फिर से क्या कर देंगे, प्लस का सी वेक्टर, क्योंकि नेट वेक्टर वहीं पर आ गया तो रिजल्टेंट कितना हो गया, नल वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, नहीं ये तो हो नहीं सकता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो, पर ये जीरो लिखा है इसलिए यहाँ पर होना क्या चाहिए था, जीरो वेक्टर होना चाहिए था, पर जीरो लिखा है इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, और ये तो होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस। बट अगर मैं जीरो वेक्टर कर देता हूँ तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर, जिसे नल वेक्टर बोलते हैं। कभी जीरो के बराबर नहीं आएगा वेक्टर का सम, चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी तो आएगी, तो ये इसमें वेक्टर इसलिए लगाना पड़ेगा, अगर ये नहीं लगा होता तो नन ऑफ दिस अपन ऑप्शन लगाते। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास में, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में वेक्टर की अपन प्रैक्टिस करेंगे। वेक्टर हमारा इतना ही था, खत्म हो गया। ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।